अरे सब करीब है, सब करीब। ये लो ये लो। अमित सर आपके राइट में चलो अभी पकड़ लो बातें बस हो गई। आ जा चलो वाइट कर लो। अमित बोल दिया अमित यहाँ नहीं मैं क्या कहूँ मैं हमारी पार्टियाँ चल रही है, हमारे फंक्शंस चल रहे हैं पिछले कुछ 5 दिनों से और पार्टी ही चले जा रही है और शुभकामनाएं मिले जा रही है। बहुत सारे इतनी सारे बेस्ट विशेज आ रहे हैं, इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, इतने सारे लोग रोज़ मुझे मिल रहे हैं मेरे हर एक फंक्शन के बाद। तो अलग फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है और मज़ा आ रहा है। और आज यहाँ बहुत सारा धमाल करेंगे, कल दिल्ली जाएंगे और परसों वहाँ पार्टी करेंगे, तो ये सिलसिला चल रहा है। मुझे दुनियादारी की अभी कोई खबर नहीं है, मुझे अपना पता है मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं उसी में खुश हूँ और वही एंजॉय करना चाहती हूँ फिलहाल। सो सेलिब्रेशन तो एक साल पहले से शुरू हो गया था जब हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार था एंड फाइनली इट हैज हैपेंड। सो सेलिब्रेशन अब रोज होगा। हाँ मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ़ोटोज़ मैं खुद अपलोड करूँगी और मैं खुद पहली बार मैं खुद पोस्ट करूँगी, लेकिन मेरी शादी के बाद जैसी जब फुर्सत मिली और मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी एंट्री से लेके फेरो सिंदूर मंगलसूत्र जितनी भी सारी रस्में थी पूरी शादी आउट हो चुकी थी, बाहर आ चुका था। मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, इनफैक्ट ये जानकर खुशी हुई कि लोग इतना प्यार करते हैं और इतने खुश हैं मेरी खुशी में। आप लोग हर बार ये सवाल करते हैं। पता मेरा वो स्टीरियोटाइपिकल सारे वही हो गए, बट यू नो आज जब मैं इनको देख रहा था तैयार होते हुए तो मैं सोच रहा था कि कहाँ तारीफ करूँ और कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। आई थिंक ओवरऑल जो इनका गेटअप है, चाहे मैं बालों की बात करूँ, चाहे मेकअप की बात करूँ, चाहे ड्रेस की बात करूँ, चाहे शूज़ की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो टुडे शी इज़ लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट, ऑब्वियसली येस्टरडे शी वाज़ लुकिंग द बेस्ट, बट आज कुछ बात अलग है। ऑलमोस्ट सारे मतलब जितने लोगों आप सब जानते ही हैं मैंने किन किन लोगों के साथ काम किया है, सबकी शुभकामनाएं आ रही है। और जो लोग आज नहीं आ पाएंगे उन लोगों ने सबने मुझे पहले से ही मैसेज कर दिया है, जैसे रिद्धि डोगरा ने कर दिया है, गौहर ने बताया है कि वो नहीं है यहाँ पर, तो सब बहुत प्यार भेज रहे हैं, सब बहुत दुआएं भेज रहे हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने काम किया है वो सारे आज इनवाइटेड है, जो नहीं आ पाएंगे उन्होंने पहले से बता दिया है, बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे ही आएंगे। देखो आज यहाँ पर बहुत टोटल धमाल वाली सेलिब्रेशन होने वाली है, दिल्ली जो है
वहाँ पे थोड़ी सी सोफेस्टिकेटेड सी पार्टी होगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे, तो वो मेरे ऑफिस की तरफ से पार्टी है। हाँ। तो मैं ऑफिस वाले फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ, तो और कुछ मेरे अपने दोस्त भी होंगे, तो वो थोड़ी पार्टी अलग होगी, वो अलग होगी, ये अलग है, ये अलग है। मैंने पहले से ही कहा था कि मैं मोस्टली मैं सारे लहंगे पहनना चाहती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि हर एक लहंगा एक दूसरे से अलग हो। आप लोगों ने पहले देखा, मैंने घरारा पहना था अपनी एंगेजमेंट में, उसके बाद मेहंदी का लहंगा अलग था, शादी का लहंगा अलग था, ये वाला लहंगा अलग है। सो आई एम होपिंग कि मैंने जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी, वो रंग लाई हो। इस लहंगे में मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न टच देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने बूट्स पहन लिए हैं इसके साथ, तो बस यही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत इनको कन्विंस किया है, क्योंकि ये इनका ड्रेसिंग थोड़ा सा अलग है, और हम ठहरे फिल्मी लोग तो मुझे भी बना रही हैं। एक्चुअली मैंने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं, तो आई नॉर्मली वेयर सूट्स, तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये पहनो। हाँ। इनफैक्ट जब हमने पहली बार देखा तो हमने सोचा शायद नहीं पहनूंगा मैं, बट पहना और फिर वी लाइक इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों के लिए खाना भी ऑर्डर किया है, प्लीज आप लोग खा के जाइए। अब अलग अलग दो दो क्वेश्चन, दो दो सबके, इतना ही नहीं, सारी ऐसे मत करो, सारी साथ में करो। हमें बहुत खुशी हुई जिस तरह का एंट्री मिला, और हम तो हैं ही बिंदास, हम नाच रहे थे। थैंक यू। हम तो यही कहेंगे कि उनका आंचल खुशियों से भरा रहे, हमेशा वो इसी तरह से मुस्कुराती रहें, और शलभ जो हैं उनको प्रिंसेस की तरह रखें।
Well, I just feel it is so beautiful that she has found happiness and peace, and I wish them a happy married life. Life mein sabki, you know, sabka haq hai khushiyon ke liye. Absolutely. So I'm very, very happy for her. Thank you. Hi, transformation all. Yeah, I think jab aap yahan se khush ho, it just shows. Gana? भाई आप क्या डांस गाना कब करा दो हम सिर्फ यही कहेंगे कि काम्या हमेशा खुश रहो ऐसी ही मुस्कुराती रहो और मे यू ऑलवेज बी ब्लेस्ड लाइक मैंने उनके सारे यू नो वीडियोस जो वायरल जा रहे हैं एज यू सेड इंस्टाग्राम पे मैंने देखे एंड शी इज नेवर लुक्ड हैप्पियर यस जितना ग्लो मैंने उनके फेस पे देखा टच वुड वेरी हैप्पी फॉर हर थैंक यू या वो तोहफा कहाँ गायब हो गया मुझे इतना बड़ा था वहाँ साइड में रखना पड़ा यस आउटफिट के बारे में आउटफिट के बारे में क्या होता है आउटलुक के बारे में देखिए हमें बताया गया कि पार्टी है क्या हुआ सॉरी सोबिया अरे तो गिफ्ट का क्या लेना था सोबिया हाँ सोबिया पार्टी रही बाबीज बाबीज लेके आए क्लियरली हाँ सो या हमारा लुक बिकॉज पार्टी बैरल मैंशन में है अरे इसका क्या लेना देना गिफ्ट भी आ गया या आई नो व्हाट इज द या सो या बिकॉज इट्स अ क्लब तो वी आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द नाइट या मैं बैरल मैंशन इज अ वेरी बिग नाइट क्लब सो मैंने थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न पहना इट्स लाइक अ साड़ी एंड अ गाउन सो या थोड़ा सा अलग पहना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू द लिस्ट इज प्रिटी लॉन्ग पर दो शब्दों में लव एंड प्रोस्पेरिटी एंड विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टू पीपल हु कम टुगेदर टू यू नो स्पेंड देयर रेस्ट ऑफ लाइफ सो ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था स्लैश शॉक था आई हैव टू गो एंड सी हर बट यस आई थिंक For me, I picked up the color because it has that warmth of winters and I wanted to add some fur to it, so hence the cocktail dress. It is the happiest day of any girl, trust me. I mean, I can absolutely relate to that joy and happiness and great, you know, the gratitude she has right now. And of course, it reflects from within. And she's looking so beautiful and so amazing that I wish this glow remains forever with her. Oh yes, I was looking forward for it. बहुत ज़्यादा special है. Exactly 15th of January I stepped out of the show and एक महीना हो गया है. Went into hibernation for 15-20 days and it is so good to see everybody back. I'm so happy. Hi, thank you. ये शिमला का घी दूध अभी आया है सब बाहर आ रहा है. Oh yes, I mean, it's great to go back to the roots. So, the small village up 150 kilometers in Shimla from where I belong, Chopal. That is the main source of my energy, and I always revisit my village whenever I get time. मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा तो उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है
हम लोग बिग बॉस में एक साथ होते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं, पर आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लाइफ जो मेन होती है। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है और काम्या ने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे शादी करनी है। एंड वी ऑल शुड प्रे कि वो बहुत बहुत खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल, काम्या के साथ हम ट्विटर पे साथ में जुड़े रहते हैं, हम सेम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इस साल, उन्हें भी सीट पसंद है, मुझे भी सीट पसंद है, तो हम लोग आपस में बातें भी करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। तो जब उनका कार्ड आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा, मुझे व्यक्त किया कि आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में एक लव्ड पार्टनर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अकेले रहना इतना ईजी नहीं है, लोग सोचते हैं हम कर लेंगे, पर इट्स बेटर कि अगर दो लोग हों। एंड इट्स वंडरफुल, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों साथ में मिलेंगे, आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल। पिक्चरों में दिखता है, जब रियल लाइफ में होता है तो बहुत खुशी होती है। देखो आपको समझना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग औरत हैं लेकिन उनके लाइफ में कई चीज़ें ऐसी बीती हैं जो यानी वो अपसेट रहती थी ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपकी शादी नहीं चलती या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, पर अब उन्हें समझ में आ गया कि आई हैव मेट माय मैच फ्रॉम हेवन। एंड वैलेंटाइन वीक में शादी कर रही हैं, बिग बॉस के एंड में शादी कर रही हैं, वहाँ भी पता नहीं कितनी शादियों का प्लान चल रहा है, लेकिन ये शादी 100% चलने वाली है। देखो आपको समझना पड़ेगा, ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत गालियाँ पड़ती हैं हमें ट्वीट करने के बाद, लेकिन सारे फैंस हैं, अलग अलग लोगों के फैंस हैं, हम मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे लगता है ये जीतेगा तो मैं उसके साथ स्टिक करता हूँ, और वो गलतियाँ करते हैं तो भी हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं, पर सिद्धार्थ ने आई थिंक गलतियाँ ही नहीं की, और अगर वो बिग बॉस नहीं जीतेंगे तो मैं बड़ा शॉक्ड हो जाऊँगा आई थिंक। लेकिन सब फैंस को अपना अपना कंटेस्टेंट लगता है जीतेगा, आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? वही मैं बोल रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक विनर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि लास्ट दो तीन दिन में क्या होता है, और आपको भी देखने को मिल जाएगा क्या होता है। मुझे लगता है शहनाज इज़ टू मच फन, इस इज़ सुपर फन टू वॉच हर, हंसी आती है वो जो भी करे, बहुत क्यूट और मज़ेदार है, तो उनका स्वयंवर भी मज़ेदार होगा, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि सिड के सिवा ये एक स्वयंवर में कौन आने वाला है, तो वो बड़ा देखने वाली चीज़ होगी कि बिग बॉस किसको उठा के लाते हैं, क्योंकि बिग बॉस के ही सेट पे आई थिंक स्वयंवर बनने वाला है, तो कमाल होने वाला है। कलर्स वाले बहुत खुश हो गए हैं, वो चाहते हैं पूरा साल तुम लोग बस यही देखते रहो। आप समझ लो 5 महीने के लिए हम जुड़े हैं, सब लोग 10:30 बजे 9 बजे रोज देखते हैं। हेलो, हाउ आर यू? तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं इन दैट लिविंग रूम, हमारे वही चलता है, तो फैमिली के जैसे हो जाता है, और हम लोग सब फिर दिल से सपोर्ट करते हैं, और जहाँ जाओ बिग बॉस की बातें होती हैं। सलमान भाई भी मुझे लगता है दुखी हो गए हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं लोग बिग बॉस की बात करते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज़, वी आर अटैच्ड। एंड एंड आ रहा है तो मे द बेस्ट पर्सन विन। और हम इतने दिनों से सिर्फ मजे ही मजे करते जा रहे हैं, सिर्फ नोटिस ओकेजन ही ऐसा है जब अपने घर का शादी हो तो नाचने का मन अपने आप कर जाता है, ऊपर से ढोल हो और पंजाबी हो तो लोग तो अपने आप नाच तो अंदर अंदर से निकलता है, ब्लड में बहता है। हमारी एंट्री ऐसी हुई है, सोचिए अंदर कितना धमाल करने वाले हैं हम लोग, 100 times से ज्यादा। ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स बेस्ट विशेस दिल से दी जा रही हैं, और ये पिछले 4 दिन से दे रहे हैं, मैं आज आई हूँ देने के लिए। 4 दिन से नहीं, 1 साल से दे रहा हूँ मैं। सो या जी, एक्चुअल में रीयूनियन हो रहा है, बिकॉज हम लोग अलग से नहीं मिलते हैं, हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, सर से हम मिलते रहते हैं रेगुलरली। मैं एक्चुअली आई एम द वन जो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अलग अलग रहती है, मेरी तरफ तो ये रीयूनियन भी अच्छा है, और बाकी अदरवाइज फ्रेंड से मिलना तो किसको नहीं अच्छा लगता। कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने से इंतजार था, और एवरी डे मतलब इट वॉज लाइक एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, और बहुत ज़्यादा मन था कि कब कब आएगा वो दिन, और जाना है मतलब रेडी होना है उस सब के लिए। सर आओ ना, आओ ना, रेडी होना है उस दिन के लिए।
और हम ये सब तैयारियाँ एवरीडे चल ही रही थी और डिस्कशन चल रहा था यार कि क्या पहनना है, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, ये क्या पहन रहे हैं, वो सब चल ही रहा था कंटिन्यूसली, बातें पूरी चल रही थी। तो बस आज वो दिन आ गया और आज हम एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे। अब मौज मस्ती चल रही है, एक जिस चीज़ की हम लोग इतने दिनों से क्या मतलब महीनों से इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया है। और पिछले इतने दिनों से हम लोग सारे मिलकर पूरे एंजॉय कर ही रहे हैं, आज एक अलग नाचने गाने का मूड है और हम सारे के सारे एक शक्ति के सारे लोग आज इकट्ठे हो गए हैं। तो इतने मुद्दत के बाद सब मिल रहे हैं तो वो भी एक खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है कामयान शलभ। थैंक यू।